गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ओसम गार्डन चैनल को, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पुष्पांजलि के गुलाब हमने पहले ग्रो किए थे बेयर रूटेड, अब की बार उन्होंने भेजे हैं मुझे मिट्टी के साथ, तो आज हम इनको ग्रो करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से गुलाब मंगवाए हैं, और बहुत ही अच्छा अब की बार जो प्लांट आए हैं वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कोई भी जैसे ब्लैक हो रहे थे वो वाले दूसरे वाले, तो ये ब्लैक नहीं हुए हैं, बिल्कुल सही इनकी कंडीशन है। और ये देखिए, इसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो रही है, तो जैसे ही मैं इनको लगाऊंगा तो ये 7 से 10 दिन के अंदर अंदर अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो अब की बार मैंने थोड़ा सा और चेंजेस किए हैं अपने लगाने के तरीके में। पुष्पांजलि से मैंने बात की, उन्होंने मुझे बोला कि आपने सर ये गलतियां की, क्योंकि मैंने उन्होंने मेरी वीडियो देख ली थी, और फिर उन्होंने मेरे को दोबारा से बताया है, और फर्टिलाइज़र वगैरह के बारे में पूरी जानकारी उन्होंने मुझे दी, और फिर मैं दोबारा से उन्होंने मुझे ये प्लांट गिफ्ट के तौर पर दिए हैं कि सर आप ये गिफ्ट ले लो, तो मुझे ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हैं, मुझे इनका कोई पैसा नहीं देना पड़ा, एक गिफ्ट की तरह आप इसको बोल सकते हैं। तो आज हम इनको लगाएंगे इन छोटे छोटे पॉट में। ये जो पॉट हैं ये दोस्तों 4 से, ये देखिए दोस्तों 4 इंची पॉट हैं ये छोटे वाले, तो इनके अंदर इनको लगाने को बोला, क्योंकि पहले वाले मैंने 7 इंच पॉट में लगा दिए थे, तो अब की बार मैं इनको छोटे पॉट में लगाऊंगा। उन्होंने कहा कि सर बड़े पॉट में लगाते हैं तो प्लांट सही से ग्रोथ नहीं करते हैं, तो मैं ये छोटे वाले पॉट जो है वो ले आया, और आज हम इनमें शिफ्ट करेंगे इनको। तो दोस्तों, पुष्पांजलि से जो ये मैंने प्लांट लिए हैं, ये वाला जो प्लांट है ये शायद टाइगर रोज है, और बाकी फ्लावर आने में पता चलेगा, ब्लू फॉर यू। ये देखिए दोस्तों, ये है ब्लू फॉर यू, ये ब्लू कलर का है, और ये जो टैग है ये भी आप देख सकते हैं पुष्पांजलि के हैं, और एक ये है आबरा का डाबरा। दोस्तों, अक्टूबर के बाद आपको ये इनकी जो व्हाट्सएप पर उसमें पता चलेगा आपको कि वो आपको फूलों की फोटो भी, कैटलॉग भी अवेलेबल करा देंगे। अभी सिर्फ उनके पास फूलों के नाम है, आप नाम से ही मंगवा सकते हैं। तो ये है दोस्तों डिलाइट ब्लू, मतलब ये पर्पल, एक पर्पल बोला था मैंने तो ये पर्पल ही होगा, और ये वाला है दोस्तों ब्लैक पीरा, ये ब्लैक गुलाब है काले रंग का। तो दोस्तों, ये 5 गुलाब के पौधे उन्होंने मुझे भेजे, और आज हम इनको शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी डेली वीडियो की अपडेट मिलती रहे, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, पुष्पांजलि का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और स्क्रीन पर भी आ जाएगा, तो आपको अगर प्लांट लेने हैं तो आप उनसे बेझिझक ले सकते हैं, लेकिन आप उनको ये बोलिएगा कि आप प्लांट जो है वो मिट्टी के साथ भेजिए, क्योंकि उसमें आपको फायदा होगा कि आपके प्लांट जो है अगर 1-2 दिन कोरियर में लेट भी हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल सही आपके पास आएंगे। और बेयर रूटेड मिट्टी के साथ नहीं आते, वो बिना मिट्टी के आते हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे प्लांट 5, अब लगाएंगे हम इनको, अब कर लेते हैं इनकी मिट्टी तैयार। इसके अंदर दोस्तों, ये जो मिट्टी है इसके अंदर हम मिक्स करेंगे 50% अपनी नॉर्मल गार्डन सोइल और 20% सैंड। सैंड और मिट्टी का मिक्सचर हमारा तैयार है। अब हमें इसके अंदर मिक्स करना है 30% वर्मी कंपोस्ट। तो अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो उसके लिए मैं एक नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आपको काफी सस्ते रेट पर और फ्री ऑफ डिलीवरी, मतलब उस पर डिलीवरी चार्ज भी नहीं है, तो वो आपको इजिली मिल जाएगा, तो उस पर भी आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी की होती है उनकी।
तो दोस्तों अभी चलिए स्टार्ट करते हैं वर्मी कंपोस्ट मिक्स करना। तो दोस्तों ये है हमारी वर्मी कंपोस्ट। अब हम इसके अपनी मिट्टी के मिक्स कर लेंगे अंदर। ये वर्मी कंपोस्ट दोस्तों इस तरीके की ऐसी है क्योंकि ये जो मेरा वर्मी कंपोस्ट का कट्टा था, बोरी थी जो, वो बाहर बारिश में रह गई, रात को बारिश आई तो ये भीग गई। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये भीगती रहे सूखती रहे अपना काम ये बखूबी करती रहती है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अपनी मिट्टी के अंदर ताकि ऐसा ना हो कि रूट्स को कहीं पर ज़्यादा मिल जाए और कहीं पर कम। तो इसको बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर देना है मिट्टी के ताकि इसके पार्टिकल बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। दोस्तों हमारी जो मिट्टी है वो तैयार हो गई है। इसके अंदर हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है वर्मी कंपोस्ट, और जो कंकर वगैरह आए उन्हें आप साइड में निकाल दीजिए अगर आपकी मिट्टी में कोई कंकर वगैरह आता है आपके हाथ में। तो इसे कहते हैं दोस्तों बिल्कुल अच्छे से मिट्टी तैयार करना। ये हमने तैयार कर ली है। अब हम लगाते हैं अपना प्लांट। प्लांट लगाने के लिए हमें चाहिए ये छोटा पॉट और हमारा प्लांट। हमारे पॉट में होना चाहिए ये ड्रेनेज होल बॉटम में इस तरीके का। और दोस्तों अब रख देंगे इसके ऊपर हम ये ब्रोकन पीस का, जो ब्रोकन पॉट का टुकड़ा है वो रख देंगे। और दोस्तों हमें डालनी है नीचे थोड़ी सी मिल्की मिट्टी, हल्की सी मिट्टी। डालने के बाद अब हमें अपने प्लांट को रखना है और टैग दोस्तों रिमूव नहीं करना जब तक कि हम इसके फूल नहीं आ जाते। और साइडों से हम अपनी मिट्टी को डाल देंगे। और हल्के हल्के हाथों से साइडों से प्रेस कर देंगे, रूट वाल के पास से नहीं दबाना वरना इसकी रूट डैमेज हो सकती हैं। और ये दोस्तों हमारा एक प्लांट लगकर तैयार है। इसी तरीके से हम सारे प्लांट जो अपने लगा देंगे। दोस्तों हमारे जो प्लांट है वो पांचों के पांच लगकर रेडी हैं। अब इसमें करनी है हमें वाटरिंग और इनको रखना है शेडेड एरिया में 4-5 दिन के लिए। उसके बाद आप इसको सेमी शेडेड एरिया में लेकर आएंगे, मतलब सुबह की सनलाइट मिले, दोपहर की तेज सनलाइट इनको ना मिले। जब इनकी पत्तियां निकलने लग जाती हैं तो आपको फर्टिलाइजर डालना होता है। तो जब इनमें फर्टिलाइजर डालूंगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इनमें कौन कौन सा फर्टिलाइजर यूज करते हैं। इनमें एनपीके अगर आपके पास 20-20-20 है तो वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले 1 महीना दूसरा एनपीके देना होता है जो है 21-62। तो दोस्तों वो मैं आपके साथ पैकेट भी दिखाऊंगा और शेयर करूंगा कि कौन कौन से इसमें क्या क्या फर्टिलाइजर ऐड करना है, क्या कुछ करना है, वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जिसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो आप चैनल को दोस्तों प्लांट लगाने के बाद आपको इसमें फंगीसाइड स्प्रे करना है 2 दिन के बाद। फंगीसाइड आप बेविस्टिन यूज कर सकते हैं, तो जिसे आप 2 दिन बाद यूज करेंगे जिससे कि आपके जो फंगस वगैरह खतरा होगा तो वो टल जाएगा। तो दोस्तों जैसे ये कि यहाँ से ये ब्लैक हो रहा है तो आप इसको यहाँ से कट कर दें, और कट करने के बाद जो फंगीसाइड बेविस्टिन है उसका पेस्ट इसके ऊपर लगा दे ताकि ये आगे नीचे की तरफ ब्लैक ना हो। तो दोस्तों यही थी इसकी सारी बातें। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऐसे प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.